नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदौर की सराफा पुलिस ने कोरियर कंपनी के खिलाफ सोने की हेराफेरी के मामले में केस दर्ज किया। आरोपी ने करीब 41 लाख से अधिक के सोने की हेराफेरी कर दी। मामले में पुलिस ने कोरियर कंपनी के संचालक और उसे ले जाने वाले वाहन चालक को हिरासत में लिया है। मामले में पूछताछ जारी है। TI सुनील शर्मा के मुताबिक देवेंद्र कुमार जैन निवासी सुदामा नगर का बड़ा सराफा के श्रीजी कॉम्प्लेक्स में सोने चांदी की दुकान है। उन्होंने मोरसली गली में सेफ एंड ऑफ रोल लाइंस को एक पैकेट कोरियर करने के लिए 2 सितंबर को दिया था। इस पैकेट में करीब 800 ग्राम सोना था, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 41 लाख रुपए के लगभग है। 2 दिन बाद भी सोने का पार्सल अन्य व्यापारी के यहाँ नहीं पहुँचने पर देवेंद्र ने कोरियर कंपनी के सुभाष भंडारी के इस बारे में पूछा। सही जानकारी नहीं देने के बाद मामले में केस दर्ज कराया गया। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक पार्टी के ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर लिया था, जिसके बाद उन्हें गुजरात के राजकोट में व्यापारी हर्षल मैन्युफैक्चरिंग को ज्वेलरी बनाने के लिए सोना भेजा था, लेकिन सोना नहीं पहुंचने पर राजकोट के व्यापारी ने कॉल कर इस बारे में जानकारी दी। जब कोरियर कंपनी के सुभाष भंडारी से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने देवेंद्र जैन से कहा कि वह गलती से कहीं और रख दिया होगा। फिलहाल शिकायत दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये थी आज की खबर। और खबर हम आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।